शिनचैन कार्टून देखा है सबने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कार्टून है नहीं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही डार्क बैक स्टोरी है, सुनोगे? तो बेसिकली शिनोसुके नोहारा नाम का एक छोटा सा बच्चा था जो जापान में पैदा हुआ था, ठीक है? उसकी बहन थी छोटी, मम्मी थी, पापा थे, सब लोग फुल फैमिली थी एकदम, ठीक है? बैक स्टोरी ये कहती है कि एक बार वो, उसकी मम्मी और उसकी बहन छोटी जो है शॉपिंग करने के लिए गए थे शॉप मार्ट, मतलब कहीं पे। तो रास्ते में क्या होता है, मित्सुका इमावारी जो उसकी छोटी बहन है वहां से ध्यान हट जाता है, एंड कुछ कुछ करके वो जो उसकी बहन है वो रोड के बीच पहुंच जाती है। और उसी वक्त एक कार बहुत ही तेजी से इमावारी की ओर आती है। अपनी बहन को बचाने के लिए शिनचैन तुरंत कूद जाता है इमावारी पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देख के मित्सी शॉक में चली जाती है, और सदमे की वजह से वो घर पे आके क्रेयॉन्स लेके शिनचैन और इमावारी के कार्टून्स ड्रॉ करने लग जाती है। और वो ड्रॉ करती है शिनचैन और इमावारी की जिंदगी को कि वो कैसी होती अगर वो जिंदा होते, फ्यूचर पूरा। और ये कहानी बाद में जापानीज एनिमेटर योशितो उसुई को पता चलती है। फिर वो एक मांगा, एक एनिमेटेड सीरीज बनाता है शिनचैन की लाइफ के ऊपर, उसका नाम देता है क्रेयॉन शिनचैन। और क्रेयॉन इसलिए क्योंकि मित्सी ने क्रेयॉन से इन सबकी ड्रॉइंग बनाई थी। सैड है बट यही सच है।